Assalamualaikum students, today we are going to start chapter number 4. In today's lecture we will discuss problem solving. सबसे पहले हम problem की definition discuss करेंगे. After this we will discuss the problem solving introduction. Introduction के बाद हम discuss करेंगे problem statement. और at the end we will discuss the key features of a problem statement. So first we are going to discuss the definition of problem. What is problem? A problem is a difficulty or challenge or any situation that needs to be improved or solved. Problem basically hurdle hai, difficulty hai ya challenge hai ya koi bhi aisi situation hai jisko improve karna zaruri hai ya jisko solve karna zaruri hai. Next we are going to discuss the introduction of problem solving. The process of finding solutions to difficult or complex problems. कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस हम अडॉप्ट करते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस. द एक्ट ऑफ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, डिटर्मिनिंग द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग एंड सेलेक्टिंग अ सोल्यूशन. अब हम इसकी सेकेंड डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम को डिफाइन करना, प्रॉब्लम के कॉज को डिटर्मिन करना, प्रॉब्लम के की फीचर्स को आइडेंटिफाई करना और एट द एंड इन फीचर्स की हेल्प से प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिज़ाइन करना बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है. जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इन तमाम फीचर्स को जहन में रखेंगे, इन तमाम फैक्टर्स को देखेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन डिज़ाइन करेंगे. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज अ कॉन्साइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड. प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होती है जो कि प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन है कि प्रॉब्लम में करना क्या है, प्रॉब्लम के कौन से फैक्टर्स प्रेजेंट हैं और कौन से फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, प्रॉब्लम के सोल्यूशन को कैसे अचीव करना है. इन तमाम की एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, इन तमाम की एक क्लियर डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द गोल्स. इससे हमें गोल्स का आइडिया होता है कि हमने एट द एंड करना क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है और सोल्यूशन तक किस तरह से जाना है. बेसिकली हम क्या करेंगे, स्टार्ट लेंगे, फिर एक आइडिया और आइडिया से प्लान और प्लान से फिर एक्शन. यानी कि इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस वी कैन अचीव द गोल, वी कैन गेट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट नंबर 4, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4. गिव ब्रीफ आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. टुडे वी विल डिस्कस पार्ट नंबर 1, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस. इसके अलावा हमने प्रॉब्लम की डेफिनेशन डिस्कस की, प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस की. अब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की फीचर्स डिस्कस करेंगे जो कि आज का आपका लेसन है. सो इसका आंसर डिस्कस करते हैं. आंसर इज ऑन पेज नंबर 91. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द की फैक्टर्स ऑफ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के की फीचर्स हैं, अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स. फर्स्ट वन इज क्लैरिटी एंड प्रिसीजन. क्लैरिटी मीन्स क्लियर होना चाहिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, एंड प्रिसीजन मीन्स कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक्यूरेट होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए. क्लैरिटी मीन क्लियर और प्रिसीजन मीन्स एग्जैक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि प्रॉब्लम में हमें करना क्या है, कौन से फैक्टर्स प्रेजेंट हैं. तो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट वुड बी स्टडीड. हम आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि हमें प्रॉब्लम में आगे करना क्या है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है यूजिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के की फीचर्स में क्लैरिटी एंड प्रिसीजन के बाद है कि उन फैक्टर्स की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए जिनको आगे हमने स्टडी करना है. नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ की फैक्टर्स और वेरिएबल्स. प्रॉब्लम के की फैक्टर्स की आइडेंटिफिकेशन करना और उसके अलावा वेरिएबल्स की वेरिफिकेशन करना, उनको आइडेंटिफाई करना, ये चेक करना कि प्रॉब्लम में कौन से फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, कौन से प्रॉब्लम के की फैक्टर्स हैं और इनमें से किन फैक्टर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, फैक्टर्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं. नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ की कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स. प्रॉब्लम की कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं और प्रॉब्लम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी हैं, ये तमाम की फैक्टर्स हैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के. तो हम रिवाइज कर लेते हैं, क्लैरिटी एंड प्रिसीजन, यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए. उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट में नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट वुड बी स्टडीड. तो ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हमने प्रॉब्लम में करना क्या है, कौन से फैक्टर्स को स्टडी करना है. नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ की फैक्टर्स और वेरिएबल्स के प्रॉब्लम के मेन फैक्टर्स कौन से हैं जिनको जहन में रखते हुए वी कैन अचीव द गोल, वी कैन गेट द सोल्यूशन.
और उसके बाद वेरिएबल्स यानी हम ऐसे फैक्टर्स भी आइडेंटिफाई करें जिनकी वैल्यू चेंज हो रही है. नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ की कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स के प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक जाने के लिए हमें कौन सा कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा और प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी हैं. तो ये तमाम की फैक्टर्स हैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के. स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. गुड लक. अल्लाह हाफिज़.